गाइज, मोबाइल फ़ोन से लोगो बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम पिक्सल लैब है। इसको आप बहुत इजीली प्ले स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू मेक यूट्यूब प्रोफेशनल लोगो। आप अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल का एक प्रोफेशनल लोगो किस प्रकार से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल एडिटिंग के साथ कुछ ही मिनट के अंदर। मैं तो बता दूँ आपको, उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब एप्लीकेशन। इसका मैं इस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या तो अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से भी वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद बता दूं, आप लोग इसी प्रकार से वीडियो पर बने रहिए। तो राइट साइड आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले आप अपने इमेज के साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। इस इमेज का साइज़ हो गया मेरा यूट्यूब पर फाइल लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करने के बाद देखिए, इसे टेक्स्ट में आपको क्या लिखना होगा, जो भी आपका यूट्यूब चैनल का फर्स्ट नाम होगा उसे अल्फा लेटर में लिखेंगे। जैसे मेरा होगा टेक्निकल नाम है, तो टी हो गया। टी को क्या करेंगे, इस साइज़ को बढ़ा देंगे, इस साइज़ को अपने हिसाब से बढ़ा देंगे। इस पर फिर ए वाला बता देंगे, इस पर फिर फंड वाला ऑप्शन पर आकर क्लिक करेंगे। फिर फंड को फिर माई फंड पा देंगे। माई फंड पाने पर से नीचे वाले फंड को क्लिक कर देंगे। देखिए ये हो गया इस प्रकार से। और इधर फिर एक पेंसिल वाला आइकन पाएंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने पर देखिए एक ही लेटर दो हो गया, तो इसको क्या करेंगे, फिर एडिटिंग कर देंगे। एडिटिंग के बाद इस पर लिख देंगे सेकेंड नेम, पहला हो गया टेक्निकल, दूसरा हो गया प्रिंस। तो फिर प्रिंस में मेरा जो पी वाला लेटर है वो अल्फा लेटर हो गया। देखिए इस प्रकार से दोनों इमेज को सेट कर लेंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, अपना जो भी टेक्स्ट का साइज है उसे कलर आपको चेंज करना चाहते हैं तो इधर आ जाइएगा। इधर आने के बाद से आपको क्या करना होगा, तो इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं बता दूं, जो भी मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ, आप इस इमेज का लिंक मैं वीडियो का अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसको वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो देखिए इसमें भी एक मैं अपने गैलरी से कोई सा भी एक इमेज ले लेता हूँ, उसको इधर कर देंगे। और फिर इधर आ जाएंगे टेक्स्ट वाले पर। टेक्स्ट वाले पर आने के बाद से आपको इसमें अपने यूट्यूब चैनल का पूरा नाम लिख देंगे। इससे मेरा टेक्निकल प्रिंस है, तो प्लीज पूरा नाम टेक्निकल प्रिंस। फिर इसको हल्के हल्के हाथ से नीचे ला जाएंगे। नीचे लाने के बाद से उसे अच्छे तरीके से सेटअप कर लेंगे। तो बता दूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत से अच्छे आप एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। ये तो मैं भाई एक बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप इससे अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट पर आ जाएंगे, इस पर आपको एक कलर ले लेंगे। कलर लेने के बाद से आपको कोई सा भी एक कलर ले लेते हैं। ये कलर इस पर मैच नहीं कर रहा, इसको क्या करते हैं, इस कलर का कोई सा भी एक कलर। कोई सा एक कलर लेते हैं। कलर के बाद से इसको भी आएंगे टेक्स्ट वाले पर। टेक्स्ट पर आने के बाद से माई फंड पर आएंगे। माई फंड पर आने के बाद इस फंड को हम लोग साइज अपने हिसाब से इसको ले लेंगे। फिर हल्के हल्के इसे अपने हिसाब से सेटअप कर लेंगे। तो बता दूँ इस प्रकार से आप बहुत से अच्छे अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो देखिए इस पर फिर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद से आपको इंपोर्ट पर आ जाएंगे। इंपोर्ट पर आने के बाद से आपको एक PNG की जरूरत पड़ेगी। इस PNG को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरा एक PNG आ गया। PNG को मैं इस प्रकार से अपने इसको सेटअप कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मेरा PNG मेरा एक इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया। इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक के बाद से फिर इस वाले साइज को हल्का छोटा कर लेता हूँ और इसको भी हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। इसे छोटा करने के बाद से फिर इसको लॉक किया हूँ तो फिर इसे ओपन कर लेता हूँ। फिर इसको लॉक कर लेता हूँ। लॉक के बाद से फिर
इस इमेज को अपने हिसाब से सेटअप कर लेंगे। तो आप इस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो बता दूँ, मेरी वीडियो थोड़े से भी अच्छे थे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।